क्या है? सर क्या क्या है? है? सबसे दुख की बात यह है कि देखो मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है यस ना, सर, यस सर। लेकिन इसमें बैकग्राउंड चेंज नहीं हो पा रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि क्यों जिस क्यों लैपटॉप से मैं क्लास ले रहा हूँ वो लैपटॉप 32 बिट का है, तो इसके लिए चाहिए 64 बिट। तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि मैं अपने पीछे जैसे मान लो लाइब्रेरी नहीं लेके आ पा रहा हूँ, या फिर मतलब जो भी मेरी मन मर्जी, मैं गली में बैठ के पढ़ा गुड सकता हूँ ऐसा इवनिंग नहीं। सर। गुड इवनिंग कृष्णा, समझ रहे हो आप लोग मेरा दर्द? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सर आप तो सर मेल में लेआउट चेंज कर सकते हो ना, मतलब इसमें सब आप अपनी स्क्रीन चेंज कर लो। नहीं हो सकता ना, वो नहीं हो पाएगा इस वाले में, इस वाले लैपटॉप में नहीं हो पाएगा वो। कोई बात नहीं, तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। चलो बढ़िया, डीपीपी नाम की चीज दी थी तुम्हें, हो यस सर, कर ली। यस सर, यस यस सर, गई यस सर, यस सर। पिराबलम आई पिराबलम? नो सर एक चीज उसमें सर, पूछना था कि सर यस उसमें लिखा था सर टी रेशियो, मतलब सर उसमें सारे के सारे रेशियो उसमें करना था सर। यस सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर जो 3 बताए थे सर, जो चार जो छह छह बताए थे बताए यार, थे सर, छह बताए थे यार जो छह सर, थे सर, नहीं जो आपने बाद में बताया था ना नहीं जिनके ऊपर टी रेशियो टॉपिक से था सर, वही वाले पूछ रहा था। नहीं एक्चुअल में वो तो फिर मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, ओके सर, वो ये वाले। तुम ये कह रहे हो क्या कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का यस सर, स्क्वायर यस सर, थीटा? यस हाँ सर, ये तो 3 ही थे कि 1 प्लस में टेन यस सर, सही स्क्वायर की बात थीटा इज कर रहा हूँ इक्वल्स टू सर, माइनस टॉपिक थर्टी। टी रेशियो लिखा हुआ था ना, इनका तो यूज ज्यादा हुआ भी नहीं, ऐसे ही हो गया हाँ था। बेटा मैंने अभी दिया ही नहीं इसका तो यूज, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं दिया इसके यूज का, अभी तो बस खेलने कूदने के लिए सवाल दिए थे कुछ, तो आप खेल कूद पाए होंगे। सर हाँ क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन डन। क्वेश्चन डन तुम लोगों ने किया, सोचो तुमने ऐसा क्वेश्चन डन करके बोलो, तुम बताओ कैसे किया तुमने। यस सर, सर सबसे पहले हमें जो सर एक क्वेश्चन सर अभी चेंज हो गया, तो जी ना चेंज कहाँ किया? सर मैंने दूसरा क्वेश्चन यस सॉल्व किया, सर, मैं पर अब क्लास मुझे प्राइड करना है को सर, टैप कर रहा था। यस आपने ये सर वाला, चेंज हो तुमने गया। यस सर, ये वाला था क्या? हो यस सर, ये वाला हो गया गया सर। वो वाला मैंने किया सर, एक सेकंड रुकिए बस, एक मिनट सर, ये हो गया लेकिन ये वाला हो गया। नहीं यस नहीं नहीं जिसने किया है ना उसके बारे में। शिवांश आज तुम्हारे यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? कूलर के एकदम मुंह पे जाके बैठ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है तुम एकदम जैसे रेलगाड़ी में रेलगाड़ी का पहला डब्बा तुम ही चला रहे हो। बंद कर दिया। अच्छा अब हो गया, कूलर चल रहा था ना, यस सर, है ना? अब तुम बोलोगे गर्मी में बैठाओगे, लेकिन मैं क्या करूं, क्या कर सकता सर हूं आज बताओ। नहीं उतनी गर्मी। हाँ आज नहीं है, आज वैसे दिख लग तो नहीं रही है, ऐसे यहाँ से अगर मैं बाहर देख भी रहा हूँ तो खास कुछ धूप हो नहीं रही है। वैसे बोल रहा हूँ जैसे मैं डेली धूप में घूमता हूँ, वैसे तो जो भी बाहर से आता है भाई साहब ऐसे आता है, क्योंकि मैं तो जनरली। हो सर गया भाई सबका डन हो डन, गया? तो यस सर, सर दोनों डन, क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डन है सबका, सारे बच्चे बोलेंगे सारे। यस सर। सर नहीं हार जी, नहीं हुआ, किसी ने नहीं सर बोला आपका हल्की से, माइक किसी ने आपके मुंह के बहुत सर पास मैंने से आ रही है, ये पूरे बोल रहा बॉडी नहीं, पार्ट से आ मुझे रही है किसी ने बड़ी ही मध्यम आवाज में जी, सर कुछ भी मैंने बोला। बोला है मनोज। अच्छा आपने बोला मनोज। देखो भाई साइन थीटा कितना दे रखा है हमें, ए अपॉन में ए बाय बी, बी और ये होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी कि ये चीज कितनी हो जाएगी बी, ये चीज कितनी हो जाएगी ए। तो हाइपोटेनस यानी कि अपन को बेस नहीं पता है, ये रह गए क्वेश्चन मार्क। तो फिर अगर मुझे ये चीज मुझे पता करनी होगी बच्चों, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ इस चीज को, बेस पता करने का क्या मेथड है मेरे पास? सर सर, रो साइन वैल्यू स्क्वायर वन एक्स माइनस स्क्वायर, ए स्क्वायर, सर अगर मैं इसको एक्स बी मान स्क्वायर लूँ, माइनस ए स्क्वायर, सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट हो एक्स जाएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, का रूट यानी कि होगा एक्स की वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ बच्चों अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है नहीं तो नीचे बैठा। ठीक है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाइपोटेनस कितना है बी अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, बी अपॉन में
क्योंकि सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में निकालने की जगह पे हम उसको साइन थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा ही कर लेते हैं ना सर, बार बार नहीं निकालना पड़ेगा किसको सर, हमें तो सम निकालना है ना, तो सब हम डायरेक्टली साइन थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा की मैंने खाली कॉस निकाल लेते हैं। तुम ये कह रहे हो कि वन अपॉन में कॉस थीटा इसे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ऐसे लिख लें, ऐसा कह रहे हो क्या? यस सर, सर इससे काम थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा मतलब चलो काम कम तुम्हें चलो ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है ऐसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे। पता है क्या होगा कि आप अपनी तरफ से बोलोगे नहीं सर जी हम तो ऐसे करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं बेटा जी ऐसे कर लो, फिर तुम बोलोगे नहीं सर जी हम तो ऐसे करेंगे, फिर कोई तीसरा बंदा आएगा नहीं सर जी मैं तो ऐसे करूंगा। तो देखो कोई भी कैसे भी करो, बस आंसर लेकर जाओ, मुझे बस इतना इतने से मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में पहले पहले दिन ही और पहले के कुछ मिनट में ही मैं तुम्हें बता चुका था कि एक्चुअल गेम जो यहाँ पर चलेगा वो चलेगा फॉर्मूलाज का, तो जो फॉर्मूला जहां लगाना चाहे वो फॉर्मूला लगाए। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जैसे कि तुम लोगों ने ये तो चलो ठीक है, ये तो तुम लोगों ने ये तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक मिनट रुकना थोड़ी देर, सब लोग रुक जाना, जिसको करना है पहले मैं उसको बता देता हूँ, पहले ये को बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक एडिशनल पॉइंट इसका बताता हूँ। इसको तुम जनरली अब तुम क्या बोल सकते हो, इसको हाइपोटेनस अपॉन में बेस बोल सकते हो है ना, और इसको क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बोल सकते हो इसको। सो तो अल्टीमेटली देखा जाए तो तुम इसे बी अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोल सकते हो, एंड प्लस में परपेंडिकुलर आपके पास ए है, सो यू कैन राइट इट एज दिस दिस, ठीक है। सो आप बोल सकते हो इसे कि ये ए प्लस बी अपॉन में कितना आ रहा है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। हालांकि करना चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो करना चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर वन आ रही है, इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप प्लस बी माइनस ए प्लस, है ना। तो अल्टीमेटली ये पावर तो दोनों के ऊपर बढ़ जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, यस सर। तो लिखने का तरीका ये भी हो सकता है इसको कि ए प्लस बी की होल पावर वन, इसे लिख सकते हो आप अंडर रूट में बी माइनस ए एंड इन टू में, इसे भी लिख सकते हो कि बी प्लस ए। तो आपको पता है कि इसकी पावर आधी है, इसकी पावर एक है, अगर ये ऊपर आ जाएगी बच्चों तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, एवरी वन अंडर रूट, और इधर कितना हो जाएगा अंडर रूट में बी माइनस ए, तो यू कैन राइट इट एज की बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए लिख सकते हो सर। तो अब अगर मान लो कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज लिख करके देता कि sec थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए, तो शायद ये थोड़ा डरावना लग जाता तुम्हें, एक बार को लग सकता है कि यार अरे यार ये कैसे आएगा, कुछ बच्चों को लग सकता है, मैं नहीं बोला सबको लगेगा, बट हम लोगों को क्या है कि कोशिश करनी है इस पूरे चैप्टर में कि हम कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं, कितने तरीके हम लोग अपनी तरफ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितनी चीजों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यार जैसे मान लो हमको पता चल गया कि यार ये ऐसे हो गया, क्या कोई और भी तरीका हो सकता है, वो तरीका अप्लाई करो, नहीं होता पूछो कि सर ऐसे तो हुआ नहीं, जबकि फॉर्मूला तो ये भी है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब तुम हर एक तरीके से इसको वेरीफाई करो, सो दैट तुम लोगों को पता है क्या होगा। मैं ये करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर तुम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि यार हाँ अगर हम लोग चीजों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर्मूलाज पे। और एक बार तुमको फॉर्मूलाज पे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैंने अगर फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशन तुम्हारी पक्की होती गई, तो मैंने अगर फॉर्मूला लगाया तो आंसर आएगा ही आएगा, और आएगा ही नहीं आएगा, मेरे को चाहिए ही चाहिए, समझे? यस सर। अब मैं तुम लोगों मैं तुम हाँ क्या बोल रहा हूँ सर, एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन वो बता दोबारा सर, मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया। बेटा आपका नाम क्या है? सर देवांश चौधरी। देवांश चौधरी, यस। अच्छा तुम वही हो जो गेम खेलते हो? क्या सर? तुम वही हो ना जो गेम खेलते हो? नहीं सर मैं तो नहीं खेलता। अच्छा तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा से दोनों से मीटिंग में बात नहीं हुई थी? मैं नहीं सर, कोई और था वो दूसरा वाला था देवांश। यस सर कोई और, दो देवांश सर मैं नहीं खेलता। देवांश पटवाल था सर। अच्छा पटवाल था, तो देवांश पटवाल यहाँ पे हैं?
यस सर। ओहो सुमड़ी में गुमड़ी करके चुप बैठे हो तुम, है दूसरा बंदा तुम्हारे चक्कर में पकड़ा गया है। चलो भाई मैं बता देता हूँ दोबारा से, मैंने यहाँ पर ये चीज बोली थी कि साइन थीटा, सबसे पहले तो तुम एक बताओ देवान चौधरी कि तुमने जो मैंने डीपीपी दी थी उस डीपीपी को ट्राई किया या नहीं किया? सर मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे और बाकी थोड़े नहीं करे। क्यों नहीं करे? कि उस खुशी में कोई खुशी आई हो घर में इस तरीके की कि जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि अरे अब इस खुशी में तो हमें क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, ऐसी कोई खुशी आई हो बताओ। स्कूल का होमवर्क था ना सर इसलिए नहीं कर रहा। अच्छा तो स्कूल के होमवर्क मिलने की खुशी में आपने वो नहीं किए? अच्छा स्कूल का होमवर्क जब आपको मिला, जब आपको खुशी हुई कि मुझे अरे आज तो मुझे स्कूल का होमवर्क मिला है, परसों से मैंने दिया हुआ है, परसों दिया था मैंने, कल आया वो, परसों कल आया? यस सर कल 2 बजे सर, कल 2 बजे। हालांकि मैंने परसों बना के दे दिया था वो मैम को, लेकिन मैं क्लास यहाँ लेने जब आया था ना, मैं तभी मैम को भेज करके आया था कि मैम आप भेज देना, एक्चुअल में उन्हें लगा कि मैंने किसी और चीज़ का मेल किया है तो उन्होंने वो फॉरवर्ड नहीं किया आपको। फिर कल जब मुझे लगा कि यार कोई हलचल नहीं मच रही ग्रुप पे, फिर उसके बाद मैंने फिर पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि सर मैंने नहीं भेजा है, फिर उसके बाद मैंने भिजवाया था वो। ओके तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कल दिया था मैंने, ठीक है ना? लेकिन वो करो यार, मैंने तुम लोगों से जब पेरेंट्स मीटिंग में बात की थी तो मैंने तुम लोगों से यही बात बोली थी ना, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि डीपीपीज मिलेंगे तुम्हें, और तुम्हें मेरे ख्याल फिजिक्स के केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के ऐप में डीपीपी मिलते हैं सर, सिर्फ केमिस्ट्री के मिले हैं सिर्फ, भी दो मिले और सर इसके सर क्वेश्चन तो सर हो जाते हैं पर किसी किसी क्वेश्चन में सर ज्यादा टाइम लग जाता है। किस में? वो कोई बात नहीं, वो तो लगेगा अभी स्टार्टिंग टाइम है तो वो लगेगा अभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ केमिस्ट्री के कितने मिल गए? चैप्टर कौन सा चल रहा है केमिस्ट्री में पहले तो ये बताओ। सेकंड चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में और दो दो डीपीपी मिले हैं अभी तक सर। डीपीपी जो अपलोड हुई हुई है वो सर पिछले साल के स्टूडेंट की है? नहीं जो जो डीपीपी अपलोड हुई हुई है वो हर साल के स्टूडेंट्स के लिए, वो हर साल स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि वो जो डीपीपी है कोर्स अभी उतना ही है ना, पढ़ो के तो वही, अब ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि कोई बुक आ गई तो अरे सर ये तो 2016 में छपी थी अब नहीं पढ़ूंगा क्यों, क्योंकि मैं 2021 में हूँ, ऐसे तो नहीं कह सकते ना अपन। नो सर, सर उस वाले डीपीपी में सर सर क्लास के बाद रेगुलर आ जाती है सर, जो हमने टॉपिक पढ़े उसी से क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके, नहीं 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 उसकी तुम टेंशन मत लो, मैं वो चीज भी रेगुलर करवाऊंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि जो ऐप में तुमको मिल रही है पहले वो तुम ऐप में तो लो, फिर मैं ये सारी चीजें भी ऐप में करवाऊंगा। ऐप वाले कर रहे हो तुम? यस सर फिजिक्स के वो कर रहे हैं। अच्छा फिजिक्स में कितने डीपीपी मिल गई तुम्हें अभी? वैसे तो सब कुछ मार गए सर, अभी नहीं सर, अभी नहीं मिले सर, प्रीवियस ईयर वाली कर रहे हैं। ओके तो मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा भी पैटर्न बनाना है कि जो पीडीएफ हम लोग जैसे मान लो मैं अलग से दे देता हूं उस तरीके से भी मिलनी चाहिए सर। उसे केमिस्ट्री वाले सर ने भी दिया था यस सर, जैसे सर आपने टॉपिक करवाया सर उसी से रिलेटेड दे दिया तो। और सर केमिस्ट्री की 3 डीपीपी आ गई है सर, 2 सर केमिस्ट्री की भी एक सर काइट्स वाली ऐप पे और एक सर टेलीग्राम पे जो सर ने कल परसों भेजी थी। ठीक है तो मैं इस चीज को आज और देखता हूँ। अभी तक मतलब कि अभी तक तुम्हारी जब मीटिंग हुई है हमारी, मीटिंग के बाद से आपकी 2-3-4 क्लासेस हो चुकी हैं आई थिंक, है ना? Yes, 4 क्लासेस में आपको एक तो मैथ्स की डीपीपी मिल गई है, एक केमिस्ट्री की मिल गई है, 4 में से 2 में मिल चुकी है, 2 में नहीं मिली है, एक बायोलॉजी की भी क्लास हुई आपकी, सोशल साइंस की भी, सोशल साइंस की भी नहीं मिली है। ओके ठीक है सर, फिजिक्स वाले सर ने कहा कि वो सर मतलब पहले से जो उस पर डीपीपी है सर वही सॉल्व करने के लिए उन्होंने वही सॉल्व करने सर, अगर इस साल के हिसाब से देखा जाए तो सर एक दिन आई शायद क्या है बताना मुझे, मैं एक मिनट नोट कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना जरा इस चीज को। हाँ बताओ, एक तो तुम्हारा सोशल साइंस में नहीं मिली है, एसएसटी में नहीं मिली है, मैथ्स की ऐप में आप लोगों को एक भी अलॉट नहीं थी, अब मैंने वो कह दिया वो आज अलॉट हो जाएगी। ठीक है
ये सब है नहीं सर, सिर्फ केमिस्ट्री के अलावा सारे सब्जेक्ट्स की नहीं है। ठीक है, कैसे बोला? केमिस्ट्री के अलावा सारे सब्जेक्ट की नहीं है। ये सर सब बोलना कुछ और था सर। ठीक है, सो केमिस्ट्री की भी पूरी नहीं है। हाँ हाँ वो नहीं है, पता मुझे। वो भी तो एसएसटी हो गया, एसएसटी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, और फिजिक्स भी है। सर फिजिक्स में भी एमसीक्यू वाले भिजवा दिए थे टीचर, जैसे आप भिजवा देते हैं डीपी। भिजवा देते हैं सर? भिजवाते नहीं है। नो सर, नहीं भिजवाते हैं सर, आप भिजवा दिया कीजिए। ओके ठीक है, मैंने लिख लिया। सर आप करते हो क्या ऐप वाला काम सारा? ना ना मैं नहीं करता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है पेरेंट्स मीटिंग में, मैं चाहता हूं कि जब दूसरी बार पेरेंट्स मीटिंग हो आप लोगों की, तो आप लोग भी अपग्रेडेड पहुंचो वहां पर, और आपका आप लोगों का जो लेवल है वो भी अपग्रेडेड पहुंचे, और जो भी प्रॉब्लम सबसे पहले हम लोगों ने जो फिगर आउट किए हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लें। जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नंबर ऑफ डीपीपी का बढ़ना, तो वो बढ़ाना है सबसे पहले, तो वो मेन काम है। दूसरा काम, एक दो काम और करने हैं मुझे, अभी मैंने एक दो एक्सपेरिमेंट और किए हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस को और एंगेजमेंट बनाने के लिए मैंने दो तीन चीजें और सोची हैं, वो थोड़े हालातों के साथ मैं ठीक करूंगा। एक्चुअली मैंने डिजिटल बोर्ड और मीट को कनेक्ट करने का एक थोड़ी सी जुगाड़ किया था, एक कि ताकि क्या है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा भी पाऊँ और आप लोगों की जो आवाज है ना वो सुन भी पाऊँ। जैसे मेंटी क्विज में करते हो? मेंटी क्विज में तो नहीं हो पाती, मतलब सुनते का हूँ, वो तो आप टाइप ही करते हो ना यूट्यूब क्लास में, जैसे यूट्यूब क्लास में, जैसे यूट्यूब की क्लास में बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना मैं। हालांकि मेरी बात हो चुकी है, मेरी बात हो चुकी है, तो उसके लिए एक डेट पर्टिकुलर डिसाइड हो गई। एक्चुअल में वो सर जो है ना जिस जगह पे रहते थे वहां से उन्होंने भी चेंज किया था, शिफ्ट किया था, ठीक है, तो इस वजह से उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जगह को चेंज करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो अभी तो मैंने उनसे कहा था कि सबसे पहले तो चीजें सेटल डाउन हो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे उनका सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाने की बात मैंने कर ली थी। ये दो मेन पॉइंट निकल करके आए थे कि SST के नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएं और नंबर ऑफ DPP, सबसे पहले ये दो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कदम की तरफ चलेंगे, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होंगे उनको रेड ऑफ करेंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। ओके, तो ये क्वेश्चन तो किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट, ये वाला आई थिंक कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, मैंने हाँ यहाँ पर बताने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी है, ये मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो बच्चों, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, सबके बहुत काम का है ये जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं आज ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं एक जनरल वे बता रहा हूँ कि कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने, बस जस्ट वो जो हम सोचते हैं ना कि एक परसेप्शन, आपको अभी ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, अब थोड़ी देर बाद अब देखना इसमें क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं। अभी आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो। देखो बच्चों, पहली चीज आपको दिखी, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसमें, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, मैं इसको कहाँ भेज सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को यहाँ भेज सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है ना। अच्छा एक चीज और देखो, क्या बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो क्या बच्चों फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस, यस सर, लिख सकता हूँ, ओके। तो बच्चों फिर तो इसको, एक मिनट रुकना जरा, फिर तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक बार नोटिस करना जरा इस चीज को यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा इनटू में साइन थीटा, यस सर लिख सकते हैं, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ बच्चों। सर साइन स्क्वायर थीटा को आपने कैसे, साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दो है ना वो, हाँ। तो दो बार लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई किया है माइनस किया बीच में, बेटा ये मल्टीप्लाई है, देखो ध्यान से, अच्छा ठीक है, एक्चुअल में स्क्वायर था तो माइनस कैसे लगाते हैं, और यहाँ पर देखो ये चीज यहाँ पर डिवाइड में आ गई, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चली गई, तो देख रहे हो ये, यस सर। अब अगर मान लो तुमसे कोई ऐसे चीज बोल देता तो सोचने के लिए काफी टाइम लगेगा कि अरे यार इसका मतलब क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा ये, लेकिन अब तुमने खुद से करके देखा इस चीज को, तुमने खुद से अपने सामने देखा तो तुमने बोला यार इतना मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा ईजी था, है ना,
यस सर है ना ओके सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है yes. अच्छा क्या बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या ये गलत हो जाएगा नो सर सबसे पूछ रहा हूं नो सर नहीं होगा गलत नो सर सर गलत नहीं होगा सर क्यों नहीं होगा को दूसरी साइड दे दिया बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूं बेटा क्यों साइन में लिख दिया उसको कॉस को सिर्फ कॉस कॉस को भेजा हुआ है क्या किया ऐसे लेवल बता रहा हूँ एक मिनट रुकना जैसे साइन को ये था वैसे कॉस देखो देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ था बेटा अभी यहाँ पर ये हुआ था कि मैंने यहाँ से सिर्फ मैंने इधर से इसमें इसको भेजा था ठीक है ना तो यहाँ पर वन प्लस और वन माइनस कॉस में आ रहा था लेकिन थोड़ी देर के लिए मानो कि अगर मैंने यहाँ पर साइन को भेजा होता तो वन प्लस और वन प्लस में और वन माइनस में कौन आता साइन ही आता ना अब तुमने एक बात समझी यहाँ पे चार फॉर्मूले मिल गए तुमको चार क्या ये भी मिल गया ना ये भी लिख सकते हो और एक एक चीज और भी लिख सकते हो उसके साथ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हो बात समझ में आई बच्चों अब मैंने ये जो किया अब मैं इससे तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ दूसरा चीज ये देखो तुमने यहाँ पर क्या सीखा था वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में कितना सीखा था तुमने sec स्क्वायर थीटा अब एक बात अब अगर sec नहीं बेटा sec स्क्वायर है तो वन प्लस वन इज इक्वल्स टू में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस में कितना दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा तो बच्चों अगर बच्चों कहीं पर वन लिखा होगा तो उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता और कहीं पर अगर बच्चों वन वन लिखा होता तो मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ध्यान रखना इस बात को कहीं पर भी यूज होगा ये कहीं पर भी तो हम लोगों को अपना दिमाग जो है वो खोल करके रखना है कि यार हाँ ठीक है फॉर्मूला होता है यूज कर सकता हूँ इसको तो मैं अगली बात क्या है बच्चों कि इसको अब आप क्या लिख सकते हो इसको आप बच्चों लिख सकते हो वन इज इक्वल टू में sec थीटा प्लस में टेन थीटा टेन और माइनस टेन किसी भी बच्चे को एक भी दिक्कत आए बता देना मुझे ठीक है ना इस तरीके से लिख लिया मैंने अब क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन में sec थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू में sec थीटा माइनस में टेन थीटा क्या बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि sec थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू में वन अपॉन में sec थीटा माइनस में टेन थीटा यानी कि ये दोनों के दोनों हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके दिखा दिए अब आप समझ पाए जिसका मतलब जो अगर कहीं पर मैं sec थीटा माइनस टेन थीटा बोल रहा हूँ तो मैं उसकी जगह पे वन अपॉन में भी करके इस चीज को लिख सकता हूँ yes, मुझे कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी ओके 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 ठीक है अच्छा यहाँ पर अगला वाला पार्ट क्या है हमारे पास अगला वाला पार्ट है कि वन प्लस में बच्चों बताओ बात समझ में आई इन लोगों ने इसको इस डायमेंशन के हिसाब से सोचा था क्या नहीं तुम समझ रहे हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग से अलग अलग फॉर्मूला हटा रहे हैं हाँ मैंने हटाई मैं कर रहा हूँ रुक जाओ एक्चुअल में मैं लिख रहा था लेकिन ये बहुत स्लो लिखने में आ रहा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा देख रहा हूँ चेकआउट कर रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है
अब अभी नहीं आई होगी। ओके दिख रही है सब लोगों को? दिख रही है? यस सर दिख रही है। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम याद करो जब मैंने तुम्हें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोला था तो मैंने बोला था एक्चुअल में ये एक ही फॉर्मूला है, उसके तीन बन गए है ना। yes, और ये yes, तीन के कितने बन गए तुम देख लो खुद। तीन के 30 भी बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हो आप। मतलब एक्चुअल में क्या है, जैसी कंडीशन जितनी कंडीशन आती जाएंगी सामने तुम अपने हिसाब से चीजों को यूज करोगे। और मैं ऐसे करना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए कि यार इनको मैनिपुलेशन करना किसी भी हद तक ले जा करके मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें प्रूफ आएंगे कि भाई इसको ना ये बना करके दिखाओ, इसको वो बना करके दिखाओ। तो आपको प्रूफ निकालने के लिए क्वेश्चन को कितना भी तोड़ना मरोड़ना कुछ भी करना पड़ सकता है कि भाई ऐसे करना है या वैसे करना है, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप लोगों को ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, ताकि आपको ना हर एक फॉर्मूले के डायमेंशन पता हो कि ये कहां तक जा रहा है, इसका कहां तक यूज किया जा सकता है, कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, सारी चीजों का पता होना जरूरी है। ठीक है तो आगे बढ़े सर, लिख ले। हाँ लिख लो, लिख लो, लिखना पहले जरूरी है। एक मिनट सर, सर ये डीपीपी अपलोड होगी सर, ये कहाँ पे होगी, मतलब अगर ईकाइट्स ऐप पे अपलोड हुई तो? यार ये मुझे तो मैं ग्रुप में ही बताना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में अभी तक तो अपलोड की नहीं है, मैं सुबह से कुछ काम में बिजी था तो मैंने अपलोड तो नहीं करवाई थी, मतलब अपलोडेड है वो लेकिन तुम लोगों को शो नहीं हुई होंगी, वो अभी पब्लिक नहीं हुई है वो वहाँ पर। तो जब वो पब्लिक हो जाएंगी मैं एक बार बताऊंगा, मेरे ख्याल से माय पैकेज में दिखती है वो। सर माय पैकेज में फ्री वाले सेक्शन में सर नीचे की साइड पे 2021 टू 2022 राइजर पैच। हाँ मतलब देख लो वो बता रहे हैं। ओके सर। अब आप लोगों की एसएसटी क्लास कब कैंसिल हुई थी? सर मंडे सर उस दिन केमिस्ट्री की भी थी सर, सेकंड वाली क्लास कैंसिल हुई थी सर। ट्यूसडे मंडे को क्या हुआ था सर? ट्यूसडे कैंसिल सर, 13 को कैंसिल हुई थी। 1307 यस सर ट्यूसडे। अच्छा मैं अभी पूछा, मैं भी पूछा था एक्चुअल में सर की तबीयत खराब चल रही है। यस सर लिखा हुआ आया था ना मेडिकल खराब। सर की तबीयत खराब है सो कल की क्लास भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। ओके सो तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस में इज इक्वल्स टू में कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। हमने इनके डायमेंशन भी देख लिए कितना कितना ओपन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं, कुछ हद तक अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। वैसे बताऊँ मैं, मतलब तुम्हें एक और चीज बताऊँ क्या कर सकते हैं और इसमें, मतलब अगर तुम्हें ऊट पटांग चीजें करनी है तो ऊट पटांग चीजों के लिए बोल रहा हूँ। सर इनका रिवर्स कर सकते? अरे रिवर्स तो कर ही सकते हो, मैं देखो ये और बता दूं तुम्हें, देखो ये 1 है। यस सर। इसकी जगह ये लिख सकते हो सर, इसमें कॉस वाला डाल दो। यस सर। मतलब ये बहुत ज्यादा ऊट पटांग चीज हो गई लेकिन, तो मतलब अब ये करके मेरा सर मत खाने लगना, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन गलत मत करो, कहीं पर भी कुछ गलत नहीं जाओगे, बस इतना ध्यान रखना। सर प्रूफ तो कुछ-कुछ प्लॉट कुछ-कुछ पता नहीं है, इसमें दिक्कत है सर। मैथ्स में कहीं-कहीं सर कुछ प्रूफ कर रहे हैं 2+2=5, वो सब तो यार टाइम पास करने वाली चीज है कि किसी को फंसा दिया करके, जेन्युइनली नहीं होता वो एक्चुअल में, वो एक्चुअल में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो। यार वो गलत होता है वो, उसमें अब वो मैं तुमसे बोल दूं कि 5=2 क्या बराबर है, तुम बोलोगे नहीं, लेकिन फिर मैं बोलूँगी 0×0 कर दो,
तो लो अब तो बराबर हो गए, ये पागल बनाने वाली बात है, इन सबको सीरियस वो बताते क्यों है। अरे वो एक्चुअल में पता क्या करते हैं, वो उन्हें व्यूज चाहिए होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि यूट्यूब पर मैक्सिमम लोग व्यूज के लिए ही पड़े हैं। वो बोलते नहीं है कि दो मिनट में सीख लो, एक मैं देख रहा था वो मतलब बच्चे क्या है, बच्चे उन पे भरोसा भी करते हैं और वो लोग बच्चों को इतना बेवकूफ बनाते हैं, इतना बेवकूफ बनाते हैं हद से ज्यादा। उसमें मैं देख रहा था कि एक वो नहीं है यूट्यूबर है, बच्चे इतना भरोसा कर रहे हैं उस पर, वो ऐसा पागल बना रहा है अमन धतरवाल करके, नहीं है एक, कह रहा है कि वो तुक्का लगाना सीखे। मैंने कहा बताओ हद हो गई, उसमें वो ये सिखा रहा है मतलब तुम मेरे ऊपर भरोसा करते होगे तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम तुक्का लगाने सीखो, या मैं तुमसे ये बोलूंगा कि बेटा पढ़ ले। मैं कह रहा कि यार ये हद मचा दी इसने, तो क्या कह रहा है ये बच्चों से। एक्चुअल में बस आपको क्या किया जाता है कि यूट्यूब की दुनिया में जनरली सब लोगों को अपने व्यूज चाहिए, उन्हें मतलब थोड़ी ना आप कौन हो, उन्हें सिर्फ अपने व्यूज चाहिए। तो वो उस तरीके के कंटेंट बनाते हैं जिससे इंस्टेंट प्लेजर मिले, बच्चों को इंस्टेंट अच्छा लग जाए कि अरे दो में से दो प्लस दो कर रहा हूँ तो पांच आ रहा, चलो देखता हूँ कैसा है। या फिर दो दिन में एनटीएससी क्लियर करें, अरे अभी देखता हूँ कैसा है। जेन्युइन फैक्ट क्या है, तुम इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तुमको अभी ये चीज समझने में कितना टाइम लग गया, तुम पांच मिनट में एनटीएससी क्लियर कर लोगे, कैसी बात कर रहे हैं लोग। सर तुक्का भी सर वहां लगाया जाता है जहां पे लगे। अरे हाँ, वहां पर आप बोल सकते हो ना कि यार मैं ना चार में से दो तो एलिमिनेट कर दिया, अभी दो रह रहे हैं तो इसमें सोचता हूँ इसमें भी पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा लग रही है तो लगाऊंगा। ये थोड़ी ना उसमें मैं देख रहा हूँ वीडियो तो उसमें कह रहा है कि सी वाला ऑप्शन की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अबे हाथ धो कर दिया यार, तो इसमें सब भाई ये मैंने देखा है सर, उसमें सी 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 लगा दो। भाई लोग ये भी बोलते हैं कि जब आपने टेस्ट दे दिया तो देखिए कौन कौन से मतलब कौन सा ऑप्शन ज्यादा बार सही है, और जब जो जिस क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना हो उसमें वही ऑप्शन लगा दीजिए। बताओ मतलब अब तुम खुद देख लो ना बेवकूफी का लेवल, बेवकूफी का लेवल है भाई वो तो। खैर अब क्या ही बोला जाए, उनकी रोटी चल रही। क्या हुआ सर? व्यूज के लिए। हाँ वो व्यूज के लिए कर रहे होते हैं ना एक्चुअल में। बच्चा होता है मासूम, वो ही सोच रहा होता है कि भैया हैं, भैया हमारी मदद करेंगे, भैया हमारी मदद करेंगे, भैया अपनी रोटी सेक रहे हैं तो क्या करें मेरे। चलो भाई यहाँ पे अच्छा इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया बच्चों? मैं अगर तुमसे बोलूं कुछ निकालने की जरूरत नहीं तो नहीं सर, सर बिना निकाले भी हो गया सर। हाँ एक मेथड तो ये है, टैन को साइन बाय कॉस कर देंगे ना, तो सर 5 tan थीटा को फिर हम 4 cos थीटा ऊपर नीचे कर देंगे। हाँ देखो जैसे बच्चों देखो जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे तुम tan थीटा को ये चीज बोल सकते हो तो तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारे पास परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया थोड़ी देर के लिए मान लो, तो तुम इसको क्या कह सकते हो फिर 5 का स्क्वायर और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 है। अगर आपको करना है तो 5 ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो रहा है 4 अपॉन में अंडर रूट में 41 हो गया, फिर प्लस में सॉरी माइनस में 3 यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन में अंडर रूट में 41, फिर अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर से यही आ जाएगा यार ये तो ठीक है, और फिर प्लस में कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में 5 अंडर रूट सॉरी अंडर रूट 5 नहीं है ठीक है ना, तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर 20 माइनस 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 अपॉन रूट 41 ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा 5 अपॉन 30 1 अपॉन 6 1 अपॉन में 6 1 अपॉन 6। और अगर तुम बच्चों मेथड अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, एक बात पूछना थी बेटा पूछो एक बार, 5 था ना आपने रूट 5 क्यों लिख रखा है वहां पे? अरे वो गलती से वो काटा भी तो है यार, मैं ये देखो यहां पर ये झालर बन नहीं गई, दिखाता हूं मैं रब कर देता हूं रुको। ठीक है सर, यहां पे साइन थीटा को लिख लेंगे 4/5 cos थीटा। बिल्कुल सही बात बोली है, देखो अगर हम उसको साइन थीटा को 4 cos थीटा लिख लेंगे ना। देखो एक मिनट रुको यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को, काम की बात है। साइन थीटा प्लस में 2 cos थीटा, मुझे एक बात बताओ अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों में से cos कॉमन निकाल लूं? यस सर, सर पूरी इक्वेशन को cos के टर्म्स में लो। हाँ मैं पूरी को cos से बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे sir, cos बाहर निकालेंगे तो sir, tan के टर्म्स में आ जाएगा।
थ्री, और बाहर कितना आ जाएगा यहाँ पर, कॉस आ जाएगा। देखो अगर ऊपर से कॉमन निकाला तो, नीचे से कॉमन निकालूंगा अगर कॉस, तो कितना आएगा बच्चों, फाइव साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस प्लस। सर ये एक सर स्टेप बाय स्टेप सर, फोर माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस टू। रुको मैं सर, मेरे पास थोड़ा सा वो आई मैं करता हूं, अगर हम साइन थीटा को करते हैं तो फ्रीज हो जाएगी। एक मिनट, वो किसी का फ्रीज हो गया, स्क्रीन लैग हो क्या आ रही है सर, आवाज भी कट रही है, मेरा वॉइस भी ब्रेक है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है। यस सर हो रही है बीच बीच में सर, वॉइस भी ब्रेक हो गई है। यस सर ये वाला कुछ समझ ना आया। एक मिनट, अब आ रही है आवाज? यस सर। नो सर अब क्लियर है। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो भैया मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम अपनी तरफ से किसी बच्चे को फ्री तो नहीं आ रही अभी, अब देखो नहीं सर अभी तो फाइव यहाँ पर साइन थीटा मैंने लिख दिया, मैं अपने घर से लेकर के आया एक कॉस थीटा, मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि बच्चों मुझे ना इस पूरे में से कॉस निकालना था, तो यहाँ पर तो कॉस लिखा था, साइन के साथ कॉस नहीं लिखा था, तो मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। ठीक है ओके। yes, okay. अब सुनो और नीचे साइन इंटू में कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस में टू कितना दे रखा है कॉस थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, अब कॉमन निकाल सकते हो क्या? हाँ यस सर निकाल सकते हैं। अब अगर कॉमन निकालूंगा तो बाहर यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, अंदर बचेगा फाइव, एक मिनट रुकना जरा, कितना बच रहा है बच्चों अंदर? फाइव टैन थीटा माइनस थ्री। बच्चों देखो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में थ्री, यहाँ इधर नीचे आ जाएगा cos थीटा, 5 sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में 2, यही आ जाएगा। cos से cos कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos कितना होता है? tan थीटा। 5 into में कितना हो जाएगा? tan थीटा माइनस में 3 अपॉन में 5 tan थीटा प्लस में 2 और 5 tan थीटा कितना है बच्चों? और 5 tan थीटा कितना है? 5 tan थीटा कितना है? 4 माइनस 3 एंड 4 प्लस 2 कितना आ गया? 1/6 सर। 1/6 बच्चों बताओ समझ में आई बात की नहीं आई? सर इससे कम कैलकुलेशन में हो जाता है, इससे भी सिंपल मेथड से किया है सर, इससे कम कैलकुलेशन में हो जाता है। बताओ कैसे हो रहा है सर? सर 5 sin थीटा को मैं बता देता हूं, क्या हो गया 5 sin थीटा? अच्छा 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 यस सर। सर sin थीटा को सर सीधा 4/5। ओके ओके ओके, अभी एक मिनट रुको, मोक्षिका कुछ कह रही थी, बोलो बेटा। नहीं सर मुझे तो आ गया समझ में, बस मुझे और कोई बच्ची थी शायद, और कोई बच्ची थी सर, हम यहाँ sin थीटा को 1 minus cos थीटा करते तब भी तो दोनों जगह cos थीटा ही जाता। सर एक मिनट बेटा, साइन स्क्वायर के लिए होता है ना बेटा, वो तो साइन स्क्वायर के लिए होता है ना। हाँ सॉरी 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 सर, एक बार जरा ये बता दो 2 मेथड, सेकंड मेथड। देखो मैंने इसमें बस कुछ नहीं है, मैंने कॉस को बाहर निकाल लिया यहाँ से, कॉस को बाहर निकालूंगा, कॉस को बाहर निकालने के लिए नहीं, लेंथी हो चाहे कुछ भी हो, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ बस। अब एक और तरीका बता रहा हूँ जो इन लोगों ने भी लगाया, दूसरे बच्चों ने भी लगाया, वो भी बता रहा हूँ, मेथड 3 भी बता रहा हूँ। एक्चुअल में जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे या वैल्यू कैलकुलेट करने वाले होंगे, वो बहुत तरीके से किए जा सके हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज इतने हैं, और अभी तो मैंने सिर्फ 3 फॉर्मूलाज से अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया, अभी तो आगे चलेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जो ये वाला मेथड पूछ रहे हैं, देखो मुझे कॉस इसमें से बाहर निकालना था, अब देखो कॉस इसमें तो था लेकिन इसमें नहीं था, है ना, तो इसमें करने के लिए मैंने कॉस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऐसे ही नीचे वाले में भी कॉस नहीं था तो नीचे वाले में भी कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस से डिवाइड किया। अब देखो इन दोनों में से अगर न्यूमरेटर में अगर कॉस बाहर निकालूंगा तो ये और ये दोनों बाहर आ जाएंगे। यस सर। नीचे वाले में से ये और ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आकर कैंसिल आउट हो गए। देखो यहाँ पर बचा कितना, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10 होता है, तो 5 10 की वैल्यू, 5 10 की वैल्यू यहाँ दे रखी थी। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड बच्चों ये है कि 5 10 थीटा इज इक्वल्स टू, मैं आपको 4 दे रखा है, तो आप 10 को क्या लिख सकते हो?
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू में 4, तो 5 साइन थीटा, ये देखो कॉस उधर चला जाएगा, तो 5 साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 4 कॉस थीटा लिख सकते हो। अब जरा देखो यहाँ पर, यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिखोगे आप, 4 कॉस थीटा लिखोगे, यहाँ पर कितना लिखोगे, 4 कॉस थीटा। देखो 4 कॉस थीटा में से 3 गया तो कितना बचा, 1 कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे देखो 4 कॉस थीटा में 2 कॉस थीटा जोड़ दिया, कितना आ गया, 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो 1/6 आ गया। यस सर, तीन मेथड से कर दिया, नहीं कर दिया ये वाला सर? यस सर। क्या हुआ, ऊपर वाला जो ये आपने तीसरा मेथड बताया ना, एक बार ये दोबारा बताया। देखो इसमें ना 10 लिखा हुआ था, ये मैं ना इसको ऐसे ऐसे बताता हूँ सर, एक ड्रॉप कर दीजिए या दूसरी साइड पे समझा। बताता हूँ एक मिनट को, मैं दूसरी सर रब मत करना, नहीं रब नहीं कर रहा मैं, एक और स्लाइड ले रहा हूँ। मैं ये हटा सकता हूँ, ये हटा दिया मैंने, कहूँगा देखो उसने जो मुझे दे रखा था, वो दे रखा था 5 tan theta = 4, तो मैं tan theta को मैं जानता हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sin theta upon में cos theta। यस सर, ठीक है, तो मैं इसको लिख दिया कि 5 into में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 4। तो अब ये 5 की मल्टीप्लाई तो साइन में हो गई, तो 5 साइन थीटा यहाँ आ गया, अब कॉस जो है वो डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 कॉस थीटा आ जाएगा। अब मैं जानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ ना कि 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा दे रखा है, एंड 5 साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा दे रखा है। अब मुझे पता चल गया कि 5 साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ कॉस की टर्म्स में, है ना, कितना लिख सकता हूँ, 4 cos theta माइनस में 3 cos theta अपॉन में 4 cos theta प्लस में 2 cos theta। तो ऊपर देखो 4 में से 3 गए तो कितने बचा, 1 cos theta, और नीचे कितना आ गया, 6 cos theta, कैंसिल कर दिया तो 1/6। अब बताओ समझ में आई? यस सर आ गया। ओके ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला वाला सवाल, ये वाला कैसे करोगे? सर्टेन कैसे नॉर्मल मेथड से करा, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करके, सर थीटा जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। अरे यार अभी 30 डिग्री मत लगाओ यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ ये कन्वर्ट करना है, अभी मत लगाओ यहाँ पे 30 डिग्री मत लो। ओके सर। सर यहाँ पे 4 cos cube थीटा होगा। सर 4 cos cube थीटा। हाँ वो फॉर्मूला होता है ना, इसलिए बोल रहे हो ना तुम? नो सर फॉर्मूला नहीं सर, मैंने पहले भी सॉल्व किया था सर, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो नीचे सॉल्यूशन दिया है उसमें cos cube थीटा होता है सर, टाइम वेस्ट होता है सर इसमें, मेरा 5-10 मिनट वेस्ट हो गया था। वैसे फॉर्मूला है पता नहीं, अब इसमें मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन ही होगा ये, इसमें जीरो नहीं आएगा अदरवाइज, चेक करें। यस सर एक बार देख लो सर, कैसे सर cos स्क्वायर थीटा था लेकिन जब नीचे सॉल्व कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो ये √3 हो जाएगा, रुकना जरा मैं रखता हूँ, तो 3 में √3/2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3√3/2 Yes, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, -3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 तो आ ही नहीं रहा,
तो यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ बच्चों क्यूब लाओ। यस सर, मेरे 5 मिनट वेस्ट हुआ था इसमें, फिर नीचे देखा मैंने सॉल्यूशन तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। 4 यहाँ पर अगर क्यूब कर दूंगा तो 3 रूट 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इससे चीज कैंसिल आउट होगा, 0 आ जाएगा। सही है सर, अब 0 आ रहा है। ठीक, यस कल ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक है। हम मतलब 3 लेना है ना? हाँ बेटा, 3 लेना है वहाँ पे। मैं इसको कर दे, कर कर देता हूँ। सर 3√3 − 6/2 आ रहा था, आगे सॉल्व नहीं हो रहा। एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। cos थीटा माइनस में 4 cos क्यूब थीटा। तो अगर आप लोगों के पास ये चीज दे रखी है, sin थीटा इज इक्वल्स टू में 1/2, इसका मतलब आप लोगों को पता है कि इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/√2। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि 3 cos थीटा, cos थीटा है √3/√3/4, यहाँ पर आ जाएगा √3/2 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3/2 माइनस में 4, इसको क्या लिख सकते हो, तो √3 का क्यूब सर, 3√3/8 कैंसिल कर दिया सर, 2 आ जाएगा तो पूरे। यस सर, ठीक है, यस सर, सर बच्चों क्लियर है? यस सर। ये वाला सवाल, इसका जवाब सर एक बार लास्ट पेज दिखाना। सर क्वेश्चन सर कर दो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में कर दीजिए। कर दिया सर, डन। ओके डायरेक्ट है यार, तो मानिक सडन, मानिक का है, मानिक सडन। अरे मानिक आया क्लास में सडन, मानिक फिर मैं तुम्हारे घर पे फोन करवाऊंगा अगर नहीं बोल रहे तो। चलो तुम्हारे घर पे ही बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम मैं बात करूँ मुझसे। रुको यार, ठंड लग रही है मुझे, मैं रिमोट लेके आता हूँ इसी का। हेलो, यस सर। यस सर, मैं वर्क क्लास 9 सर। ओके, हाँ बोलो सर। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मतलब जैसे हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकाला था, हाँ। सर उसके बिना भी वो इजीली हो रहा है, उसके बिना कर लो, एंगल मत okay, मानना अभी, क्योंकि एंगल मत मानना, क्योंकि एंगल में उसने दे नहीं रखा है ना कुछ। नहीं ना सर, बिना एंगल माने ही हो रहा है। हाँ तो बिना एंगल माने कर थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला हो रहा है देखो ना, yes, इन दोनों को करो। यस सर, ये तो cot स्क्वायर थीटा ही हो गया, 1 स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर आ रहा है। नीचे वाला कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस, बच्चों सबको समझ में आ गया ना, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। भाई ये a + b और a - b लिखा है और cos स्क्वायर सर उससे निकाल, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा सर, साइन स्क्वायर अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन को बोल सकते हैं कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर, ठीक है ना। और हमें पता है सर, 8 तो हमारे घर की, ये तो हमारे घर की बात हो गई अब, कि कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 8/15,
तो अगर बच्चों अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर? 64/225 क्या? कुछ नहीं सर, स्क्रीन लेट आई थी मेरे पास, तो मेरे पास आगे आ ही नहीं पाया। तुम्हारी स्क्रीन, तुम्हारी स्क्रीन का साबुन स्लो है, इसका मतलब है ना? नहीं, इसी वाले में हुआ है, पता नहीं। चलो ठीक है, बड़े आगे बच्चों। यस सर। ओके, सो बढ़ते हैं अगले सवाल। हाँ ये रहा, चलो भाई आजो भी, आजो सब लोग आजो। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सर आपने पीछे cos square theta upon में sec square theta, sin square theta को cot square theta के बराबर लिखा था। किसको? पीछे। इसको? cos square theta upon में sin square theta को। हाँ बेटा यही तो होता है ना, cos theta upon में sin theta is equals to में cot theta नहीं होता? हाँ, और उसको हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था, sin theta upon में cos theta जो होता है वो tan theta होता है। तो इसका जब उल्टा कर देंगे तो वो cot हो जाता है ना? उसको स्क्वायर कर दिया डन। ओके यार, ये वैसे किसको, किसी को मुश्किल लग रहा है ये? नो सर। नहीं नहीं पूछ रहा हूँ, जिसको मुश्किल लग रहा है वो सर फॉर्मूले में डालना है सीधा सीधा। ना 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 बेटा, फॉर्मूला तो बहुत ही बाद में लगाना है। तुम एक बात सोचो, स्टार्टिंग में सर कॉमन ले सकते हो, पहले तो सिंपलीफाई करके फिर लगाएंगे ना। हाँ पहले सिंपलीफाई कर लो ना इसको। तो यहाँ पर कॉट लिखा था, कॉट को अगर तुम 10 में कन्वर्ट करोगे तो वो अपॉन में आ जाएगा। यस सर। है ना, तो जब एलसीएम ले लोगे यहाँ पे तो 10 यहाँ चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 4 प्लस में 10 थीटा, अब यहाँ पे अगर इसे भेजोगे तो 4 प्लस में कितना आ जाएगा? 10 थीटा अपॉन में होल में कितना आ जाएगा? 10 थीटा। नीचे वाली चीज कहाँ जाती है? ऊपर वाले के पास जाती है। यस सर। ऊपर वाले के पास पहुंच गया, तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस में 10 थीटा इनटू में 10 थीटा अपॉन में 4 प्लस में 4 प्लस 10 थीटा कट जाएगा 10 प्लस। अब बस यही तो बताना है सर, ये समझ नहीं आया। एक बार नहीं आया समझ? देखो बताता हूँ मैं, बस एक 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 भाई मुझे पेट नहीं भरना। और कुछ प्लेट व्लेट दे के जाओ उसके लिए, कुछ प्लेट व्लेट दे करके जाओ उसके। हाँ ले आओ, लेके जाओ, ये लेके जाओ, मैं हाथ में पकड़े थोड़ा बैठूंगा। और ले आओ ठीक है। हाँ सुनो भाई, एक सिंपल सी बात है, एक बात बताना मुझे तुम कि यहाँ पर कहाँ पे अटके होगे तुम यहाँ अटके होगे एक, तुम जिसको नहीं समझ में आया है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मैं 3 और 4/5 लिख दूँ यहाँ पर, तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये 3/1 और 4/5 लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये तो यहीं पर जाएगा ना इसके पास ही, और ये इसके पास जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 3 × 5/1 × 4। तो नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास ही जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये एक डिजिट थी और ये नीचे फ्रैक्शन आ गया, तो इसका नीचे वाला तो इसके ऊपर वाले के पास ही जाएगा ना। तो देखो इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले के पास गया और नीचे वाला यहीं रखा रह गया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में तो 1 ही था ना। नहीं समझे? लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं ना, बाहर ही रखा। रुक जाओ मैं दोबारा से समझाता हूँ। सर आप इनवर्स कर दो ना सीधा सीधा। सर आप जो नीचे वाली टर्म है उसे इनवर्स करके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी ना सर, उससे हो जाएगा इजीली। अच्छा वही तो किया आपने, बस उसे थोड़ा आगे थोड़ा सा स्टेप मल्टीप्लाई। देखो देखो एक मिनट रुको, मुझे पहले एक बार और समझाने दो बेटा। एक बात सुनो, यहाँ ऊपर 4 प्लस में 10 थीटा लिखा है। यस सर।
अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, फोर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, अपॉन में टेन थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब यहाँ पे नीचे एक फ्रैक्शन बनेगा नहीं बनेगा ये बताओ पहले, तो बनेगा नीचे तो फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन में तो है नहीं, ये दोनों कंबाइनली फ्रैक्शन में है ना, अब आ गया ना ये फ्रैक्शन में भाई, अभी थोड़ी ना था ये नीचे, नीचे वाले की अगर बात करोगे तो नीचे वाली एक चीज लिखी हुई थी ना, अभी तक फ्रैक्शन में थोड़ी ना थी जब तक मैंने इसे 10 में नहीं कन्वर्ट किया, है ना। तो अब यहाँ से देखो, ये अगर मैं इसको एलसीएम में लेकर के जाता हूँ बच्चा, तो 4 प्लस में 10 थीटा अपॉन में 10 थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि ए के अपॉन में बी अपॉन सी लिखाओ तो क्या होता है, सी सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि ए इंटू में सी डिवाइड बाई बी नहीं हो जाएगा। यस सर, एक्चुअल में जो नीचे वाला है सिर्फ एक ही फ्रैक्शन दे रखा है, जब बच्चों दो फ्रैक्शन दिए जाते हैं ना कि ए अपॉन बी और बी और सी अपॉन डी, तब इसका मतलब यह है कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ऐसे बात हो रही है। लेकिन बच्चों तो इस yes, तो इसके पास ये चला जाता है और इसके पास ये चला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर वाला नंबर एक ही नंबर दे रखा है, तो इसको फ्रैक्शन कैसे बना लोगे, इसको इसको फ्रैक्शन बनाने का क्या तरीका है, जिसको फ्रैक्शन बनाने का कोई तरीका ना हो उसके अपॉन में क्या लिख दो बच्चों, वन लिख दो, और नीचे कितना आ रहा है, फोर प्लस में टेन थीटा आ रहा है ये, और इसके अपॉन में कितना आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर वाले से कैंसिल होता है yes, है ना, और अगर आप लोगों को ये भी ना पता चल रहा हो ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ इसको भी रहने दो थोड़ी देर के लिए, तुम बस इसको समझो, चल रहा है चला जाएगा ना वन के पास, तो फोर प्लस में कितना आ जाएगा, टेन थीटा इंटू में, देखो ये नीचे वाला ऊपर गया ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, और अपॉन में कितना लिख सकता हूँ, वन इंटू में फोर प्लस में टेन थीटा। तो अब ये देखो इससे ये गया कितना बचा, टेन थीटा, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताओ परपेंडिकुलर पता है, बेस पता करके बताओ, रूट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हाँ यस सर, तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन में रूट में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर, और ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर इसका एम है और ये एन है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर, क्लियर है, ओके सर, मैंने इन्हें चेंज कर दिया था साइन को उसमें, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये यहीं से दिख रहा था तो यहाँ से भी कर सकते थे, बट कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है वो, ठीक है yes, अब सुन लो भाई याद करने का तरीका, ये इम्पोर्टेंट है ये तरीका ना, मेरे साथ लिखते भी चलना समझते भी चलना, देखो तुम कुछ मत करो, सब फिजिक्स वाले सर ने लिखवाया था आधा इसका, क्या लिखवाया था सर, इसमें बस एक साइन थीटा याद करने की जरूरत होती है सर, बाकी सब उसी से निकल जाते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है, बाकी सर साइन थीटा के जो एलिमेंट है सर वो रूट जीरो बाय फोर, रूट वन बाय फोर, टू बाय फोर, थ्री बाय फोर, के लिए बिल्कुल 90 वाला वन में चला जाएगा, और 45 में सेम रहेगा, 30 का 60 में, और सर 10 का इन दोनों का रेशियो यानी डिवाइड करके निकालेंगे, रुको देखो, 0 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 4, ठीक है, यस सर, अंडर रूट में अपॉन में सब में 4 लिखा और 0 से लेकर के 4 तक गया मैं, ठीक है। और कौन कौन से एंगल पे चर्चा होगी, 0 पे होगी, 30 पे होगी, 45 पे होगी, 60 पे होगी और 90 पे होगी, अभी डायरेक्ट है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो जीरो, और वन अपॉन फोर का करोगे तो वन का रूट तो वन ही आ गया, फोर का रूट कितना होता है, टू आ जाएगा, फिर टू अपॉन फोर करोगे तो बच्चों ये तो कैंसिल होकर के टू आ जाएगा, और टू का रूट कितना होता है, रूट टू सर, रूट टू, थ्री का रूट निकालोगे तो थ्री रूट थ्री आ गया, और फोर का रूट निकालोगे तो टू आ गया, फोर अपॉन फोर को कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, वन आ गया सर। आपने 45 को कैसे, टू ये ऐसे था, अंडर रूट में फोर अपॉन में टू था, टू अपॉन में फोर था, कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में वन अपॉन टू, तो वन का रूट तो वन ही रहेगा, लेकिन टू का रूट कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने देखो अब देखो साइन का याद हो गया सबको, साइन का लिख लिया सब लोगों ने, यस सर, इसी का जस्ट उल्टे तरीके से चालू कर दो, किसका, कॉस का, देखो यहाँ पर, यहाँ पे कॉस था वन,
थ्री आ गया, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर दूसरे, ये जो आखिरी से पहले नंबर पे था वो यहाँ पे शुरू में, जो यहाँ सेकंड लास्ट था वो यहाँ सेकंड, जो यहाँ थर्ड लास्ट था वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर ऐसे था ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ठीक है? यस सर। अब क्या करो, तुमको पता है टेन कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस, तो जीरो अपॉन वन कितना होगा, निकाल लेंगे आराम से, जीरो जीरो, वन अपॉन रूट वन अपॉन टू एंड रूट थ्री अपॉन में टू, कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू से टू कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है तो वन आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा रूट थ्री, और वैसे भी देखो ऐसे याद कर, ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले आया वन अपॉन में रूट थ्री, फिर इसको ना खोल दिया, वन को यहाँ लिख दिया, रूट थ्री को यहाँ लिख दिया, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, क्योंकि मतलब मैं, मतलब सबका अपना अपना वो होता है ना कि किस तरीके से कोई रिलेशन बनता है। Yes, आखिरी वाला नॉट डिफाइन हो गया तो वन अपॉन में जीरो था तो अपॉन में जीरो आया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिफाइन। यस सर, अपॉन में जीरो नॉट डिफाइंड होता है। हाँ, और एक बात और, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, इसका उल्टा करोगे, ये देखो टेन का उल्टा पता क्या होगा, कॉट होगा, देखो जहाँ यहाँ नॉट डिफाइन तो यहाँ नॉट डिफाइन, यहाँ थ्री तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट थ्री तो यहाँ पर भी रूट थ्री, यहाँ पर वन तो यहाँ पर वन, यहाँ पर शुरू में दूसरे नंबर पे था वन बाय रूट थ्री, यहाँ पे सेकंड में दूसरे नंबर पर, यहाँ शुरू में था जीरो, यहाँ लास्ट में जीरो, ठीक है? Yes. सर एक बार आप टेन का फिर से बता दीजिए। बता रहा हूँ टेन का क्या किया मैंने, साइन अपॉन कॉस होता है तो जीरो अपॉन वन लिखा तो जीरो आ गया भाई, जीरो अपॉन वन हो जाएगा ना। यस सर। वन अपॉन टू और रूट थ्री बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो वन अपॉन रूट थ्री आ गया, फिर देखो वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन में रूट टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगी इसकी, टू से टू कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, रूट थ्री आ गया, और वन अपॉन जीरो करोगे तो कितना आ गया, नॉट डिफाइन आ गया। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, साइन का रेसिप्रोकल, सीक्वेंस उल्टा कर, सीक्वेंस उल्टा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस का रेसिप्रोकल, ये देखो जीरो लिखा, यानी जीरो अपॉन वन रहा होगा या एनीथिंग रहा होगा, देख लो वन का उल्टा करोगे वन ही आएगा, रूट थ्री बाय टू का करोगे टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का करोगे रूट टू, वन बाय टू का करोगे टू, और जीरो का करोगे तो नॉट डिफाइन। बताओ समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, अभी एक काम करो सब लोग, एक बार तो सबसे पहले तो इसको ना लिखो, अभी के अभी लिखो, मेथड तो इसे में लिखा था, वन बाय रूट फोर लेना है ना। हाँ आप लोग लिखो ना, इसीलिए तो रब किया है, वो पहले वाला जो लाइन है उसमें लिखना है अंडर रूट में जीरो बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय टू, टू बाय फोर, थ्री बाय फोर एंड फोर बाय फोर, ऐसा कुछ। सर ये जो हमने लिखा है रूट जीरो बाय फोर, रूट वन बाय फोर, सर ये कोई ट्रिक है या फिर ये मेथड है इसका निकालने का, या फिर हमने खुद बनाया है? सच बोलू झूठ बोलू? वही जीरो अपॉन, वही अंडर रूट में जीरो अपॉन फोर एंड वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, टू अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर, ऐसे सही। अंडर रूट में 0.4 कैसे आया बता दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या हुआ, ये कैसे आया, ये पूछ रहा हूँ, ये तो बच्चों याद करने के लिए आया बस, और किसी लिए नहीं आया, ये सिर्फ याद करने के लिए आया, और किसी लिए नहीं आया। कौन कौन डिस्कनेक्ट हो गए भाई, अभी तो सारा मैंने बताया था सर, वाईफाई भाग गया था। कहाँ भाग गया था? यस सर, वाईफाई चला गया था। कहाँ? तुम लोगों से खाना पीना नहीं खिलाते क्या? सर चाय पीने। तुम लोगों से खाना पीना नहीं खिलाते क्या? भाग जाता है वो।
ऐसे चाय पिला करो उसे, वो वहीं रहेगा, पता तुम्हें क्या? कुछ नहीं सर, अच्छा सुन लो अब बातें बनवा लो बस। जो जैसे देखो साइन वाला जो था, तुम लोगों को क्या करना है, मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0/4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा। सबके ना रूट की वैल्यू निकाल लो, सबके रूट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइन वाला आ गया, पहली बात तो ये। पहले बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, ये मतलब आपने खुद से लिखा है, मतलब ये किसी डेरिवेशन से नहीं आया? ठीक है, अब क्या हुआ, जो बोलो, ठीक है, आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी अभी सर, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरी मेरी मतलब मेरी वॉइस जो है वो ब्रेक डांस कर रही है, आप ये कह रहे हैं ब्रेक हो रही है? हेलो सर, आपका वॉइस आ रहा है सर, आपके बीच में अटक गई थी और फिर अचानक से सारी आ गई एक साथ, सारी एक साथ, मेरे सारे प्रवचन एक साथ ही चले गए जैसे फास्ट फॉरवर्ड के टाइम। बट जैद यू आर टाइपिंग, क्या हो गया, किससे दिक्कत में आ रहे हो भाई? आई डोंट नो। अच्छा आई डी के, यार ये भी कोई शॉर्ट फॉर्म होती होगी, अब क्या बताऊं मैं, आई डोंट नो सर, आई डी के, अरे आई डोंट नो, आई डोंट नो पे लिखा ही हुआ है आई डी के। अच्छा, मुझे पहले तो लगा कि वो ये बोल रहा है कि आई डोंट नो कि क्या है वो, तो आई डोंट नो ये सर, बस लिख दिया आईडी के से ही। मतलब कि ये वैसी वाली बात हो गई कि भाई पासवर्ड बताओ यार वाईफाई का, मुझे नहीं पता। वो कह रहा तुझे नहीं पता, तेरा ही तो वाईफाई है, कह रहा है मुझे नहीं पता पासवर्ड है, ठीक है। अरे यार GST भी होती है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। वहां पे बच्चे एक दिन रात को वो कर रहा था मैं लाइव सेशन, उसमें लिख रहे हैं GST। अब GST से तो यार मुझे एक ही चीज ध्यान में आती है, GST जेन्युइन वाला GST, सर पैसा काटने वाला GST। मेरा तो पैसा काटने वाला मुझे ध्यान में आया, और फिर उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि यार ये GST क्यों लिख रहे हैं। मैंने पूछा GST क्यों लिख रहे हो, फिर बाद में पता चला कि GST का मतलब है गुड नाइट स्वीट ड्रीम और टेक केयर, वो शॉर्ट फॉर्म की भी शॉर्ट फॉर्म कर दी उन्होंने। टुमारो का भी तो आया था। हाँ ये टुमारो भाई साहब, मैं तो देख ही रहा था, मैं कह रहा यार ये क्या होता है, मुझे थोड़ी देर बाद समझ आया था, मैं टुमारो, चलो बेकार शॉर्ट फॉर्म होती है भाई, बेकार की क्या। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिन लोगों को जल्दी जल्दी टाइप करना होता है उन लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट सब व्हाट्सएप में ऐसे बना देते हैं सर। चलो भाई अब देखो, सब लोगों को साइन कर साइन, थैंक यू को TY लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे को HBD बोलते हैं सर, वेट को W8 सर, टेस्ट में खाली ट्रिग्नोमेट्री आएगा? हाँ नहीं, क्योंकि इतना तो अभी नहीं हुआ है, तो टेस्ट में नहीं, निकल की क्लास में तो काफी कुछ हो जाएगा। हाँ तो आएगा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा बस। ओके सर, क्लास में अब भाई देख लो ये कॉस की वैल्यू के लिए क्या करोगे। देखो कॉस की वैल्यू के लिए कैसे है कि देखो, तुम्हें पहले ऐसे लिख करके दिया 0, 1/2 और 1/√2, √3/2 एंड 1। अब इसको ऐसे करके देख लोगे तो वो कॉस के लिए हो गया। Yes. मतलब इसको बस जस्ट yes. उल्टा करके देख लिया तो वो किसके लिए हो गया, कॉस के लिए हो गया। कॉस के लिए, जो साइन और कॉस के लिए आ गया, फिर उसको अपॉन में कर दो, साइन अपॉन कॉस कर दो, यानी 0/1 कर दो तो 0 आ जाएगा। 30 वालों को करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, 45 वालों को करोगे तो 1 आ जाएगा, 60 वालों को करोगे तो फिर √3 आ जाएगा, एंड 90 वालों को करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। और दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे सिन कॉस का, तो कोसेक और सेक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। और अगर 10 का भी जैसे कॉस का देखने के लिए
क्या किया था हम लोगों ने, अच्छा टेन का भी, टेन का भी, टेन का भी रेसिप्रोकल कर दो ना, टेन का भी रेसिप्रोकल कर दो भाई, जीरो लिखा है ना टेन में पहले, टेन का जीरो का उल्टा करो नॉट डिफाइन हो गया, वन बाय रूट थ्री का उल्टा करो रूट थ्री हो गया, वन का उल्टा करो वन हो गया, और रूट थ्री का उल्टा करो वन बाय रूट थ्री हो गया, नॉट डिफाइन का उल्टा करो जीरो हो गया। जैसे सर कॉट और टेन में तो वो वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है ना, हाँ वो वाला भी हो रहा है, वो वाला भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे हुआ क्या देखो, मतलब कि साइन का किया कॉस के लिए उसे बस उल्टा किया, एक बार उल्टा किया बस, फिर उसके बाद साइन अपॉन कॉस से टेन निकाल लिया, तो साइन कॉस टेन मिल गया, साइन का उल्टा किया कॉसक मिल गया, कॉस का उल्टा किया सेक मिल गया, टेन का उल्टा किया तो कॉट मिल गया, खत्म कहानी। बताओ सर। बोलो सर। आपने पहली क्लास में कहा था कि जो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन ये ऑलवेज नहीं होता है, तो सर ये क्या जीरो डिग्री के केस में नहीं होता है? हाँ ओके सर। देखो मैंने तुमसे कहा था ना ये वाली, अभी तो जीरो डिग्री तो बस एक डिग्री है, मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन तुम फिर भी समझो, जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू में वन अपॉन में कोसेक थीटा लिख दिया, ठीक है, अब तुम जीरो डिग्री बोलते हैं इसको, तो जीरो डिग्री पे कॉसेक क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है ना, और किसी डिफाइन डिफाइन वाले को आप नॉट डिफाइन वाले के साथ कैसे रख सकते हैं, और वो भी बराबर बोल रहे हैं आप। यस सर, तो मतलब साइन की वैल्यू या कॉसेक की वैल्यू जहां जहां पे जीरो होगी सर वो वाला केस। हाँ, मतलब जिसमें कॉसेक की वैल्यू जीरो, आप यहाँ से समझ सकते हैं ना कि अगर आप मैं इसको यहाँ पर भेज दूं, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ भेज देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ भेज देता हूँ, तो अल्टीमेटली जीरो डिग्री पर ये नॉट डिफाइन बना देगा इसको ना, तो बेकार नहीं हो जाएगा, सारी कहानी बेकार हो जाएगी, नॉट डिफाइन इज नेवर इक्वल टू डिफाइन एनी डिफाइन नंबर, तो इस वजह से एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के बोल देगा टेन, कुछ नहीं अपन से नहीं हो पा रहा भाई साहब। सर लेकिन वैसे बोल देगा सर वन अपॉन में नॉट डिफाइन से डिफाइन भी तो हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी, वन अपॉन जीरो, सर जीरो पर आ गया जीरो अपॉन वन हो गया वो। बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि आप इसको वहां पर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, साइन को यहाँ ले आइए, तो नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन हो जाएगा क्या? No, अब आप इसे ऐसे करो, अब ऐसे करो लो सर, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन में साइन थीटा, अब जीरो डिग्री पे ये तो नॉट डिफाइन हो गया, और वन अपॉन जीरो से ये भी नॉट डिफाइन हो गया, अब नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन होगा क्या? No, ना ये पता ना ये पता, जब यही नहीं पता और ये भी नहीं पता तो कैसे बोलेंगे सर? कॉस और सेक के लिए भी होगा 90 डिग्री पे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, समझे मैं क्यों बोल रहा था? अब देख लो तुम, मुझे बताना भी नहीं पड़ा, मुझे बताने भी नहीं पड़ा, तुम लोगों को खुद समझ में आ गई बात कहानी। सर टैन और कॉस में भी हो जाएगा, क्या हो गया सर? टैन 90 और कॉस, यस सर टैन और कॉस, वो भी नहीं है बेटा नॉर्मल, ध्यान से देखो उन्हें सर, उसमें भी 90 में नहीं हो रहा है, उसमें भी नहीं हो रहा 90 में। अच्छा ये बोल रहे हो? अच्छा अच्छा सॉरी यार, मतलब आवाज इतनी कट के आ रही है कि मुझे लग रहा है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं देखो बस वही बचे हुए हैं, वही सीधे साधे हैं इस दुनिया में, बाकी सब तो टेढ़े हैं। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा पहले वाले का? तुम लोगों ने अगर सारी की सारी जगह वैल्यूज टीप ली है तब तो तुम इसका आंसर बहुत आराम से कर पाओगे धड़ल्ले से। फंडामेंटल बन गया ये, लेट मी चेक, सभी मल्टीप्लाई में है ना? हाँ ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, हाँ ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, जिसके बीच में कुछ ना हो वो मल्टीप्लाई। सर दोनों पार्ट हो गए, हो गए सर टेन, गुड यस सारे लोग सर टेन, एक मिनट में सर टेन। ओके यार
साइन 60 कितना होता है मोक्षिका बताना जरा, मुझे पता नहीं है। रूट 3/2। अरे वाह थैंक यू। कॉस 30 कितना होता है कृष्णा? मोक्षिका तुमने अपना नाम मोक्षिका से कृष्णा रख लिया? सर आपने मेरा नाम नहीं बताया। नहीं साइन 30 कितना होगा? 1/2 तो कितना होगा? 3/4 1/4 कितना आ गया? 1/2 समझे? बूझे कि नहीं बूझे? बूझे। दूसरे वाले में क्या होगा? नारायण 10/30 कितना होता है सर? 1/√3। नारायण तुम ही बोल रहे हो ना? यस सर मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है अर्णव cosec 60? यस सर। सर cosec 60 2/√3। ये जो बेटा जब हम ये बोलते हैं ना यस सर तब ये जो वक्त होता है ना ये वक्त हम सोच रहे होते हैं। तो 10/60 कितना होता है? मानिक नहीं, मानिक तो नहीं बोलेगा, मानिक शर्मा रहा है। मनोज यशवी ज्योत्सना बस सो गए क्या सब? सर क्या पूछ रहे हो? 10/60 की वैल्यू सर क्वेश्चन कहाँ पे है? ये तो रहा सर मैं बताऊं जैद सर मेरी पूरी की नहीं रहा। 10/60 की वैल्यू 1/√3 सर। एक मिनट हाँ हेलो सर ज्योत्सना एक मिनट रुक जाओ पहले ज्योत्सना से बात कर लें। ज्योत्सना को क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, क्या हुआ ज्योत्सना? सर अब दिख गया, अब दिख गया सर। वो नेटवर्क इशू हो रहा है ना सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ मनोज यस सर। बोलो मनोज 10/60 की कितनी वैल्यू होती है? क्या है औकात 10/60 की बताओ? 10/60 की √3 सर। √3 अरे ओ शिवांश sec 30 कितना होता है भाई? 2/√3। इससे ये गया कितना आ जाएगा? 2/3 सर। 2/3 इसमें कितना आ जाएगा? 2 सर। 8/3 आ जाएगा फाइनल आंसर। 8/3 यस सर। 8/3 आंसर। समझे कि नहीं समझे? बूझे कि नहीं बूझे सब लोग? यस सर बूझ गए। सब बूझ गए। चलो फिर अगला बूझो। पहला वाला बताओ इसका जवाब क्या होगा? ओटीपी आया वो बीच में माइनस है साइन 30 और कॉस 30। इसिन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है? नहीं मल्टीप्लाई है भाई मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में ही प्लस है और इन दोनों के बीच में ही प्लस है। बताओ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। सर रुक जाइए। सर फर्स्ट पार्ट डन। दूसरा करो बोलने नहीं देंगे तुमको। फर्स्ट पार्ट डन। ओके
और क्या बोल रहे हो? ये जहाँ जहाँ आपने प्लस को सर्कल किया है मल्टीप्लाई है ना? यार मैंने प्लस को सर्कल करके प्लस ही तो बोला था, तो फिर उधर मल्टीप्लाई। हाँ तुमको सच में लगता मुझे क्वेश्चन याद होगा? ये तुमको लग सकता है? सर बोथ पार्ट डन, बोथ पार्ट डन, ये मानस ने बोला है। यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक एक करके नाम लूंगा सबका, सबका नाम कैसे लूं? सर बोथ पार्ट डन। जैद बताना साइन थर्टी कितना होता है, जिससे जो पूछूंगा बस वो बताएगा और विद इन सेकंड बताना है। जैद साइन 30 डिग्री सर 1/2। जोचना कॉस 45 डिग्री। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जोचना कॉस 45 डिग्री कितना होता है? यशवी कॉस 45 डिग्री। अनम कॉस 45 डिग्री। बट टाइप मत करो, बोलो। मनोज कॉस 45 डिग्री। सर 1/√2 स्क्वायर हो गया प्लस में 4, 10 स्क्वायर 30, तो यानी कि 10 30 कितना होता है मानस? सर 1/√3 और 1/2 यहाँ आ जाएगा। मोक्षिका साइन 90 कितना होता है? 1 और अर्नव कॉट 60 सर 1/√3 ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 ठीक है इनटू में 1/2 प्लस में 4/3 प्लस में 1/2 प्लस में 1/24 लिख सकते हैं यहाँ पे। यस सर ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 प्लस में 4/3 प्लस में 1/2 प्लस में 1/24। इन सबको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो 3 प्लस प्लस 12 प्लस 1 अपॉन में 24 सर 48 अपॉन 12 1 13 13 और 3 16 16 6 48 यस सर 2 आएगा ठीक है भाई। यस सर यस सर सभी का 2 आया। यस सर यस सर यस सर ओके सर अभी नीचे वाला हुआ नहीं सर 2 मिनट। करो 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 करो, मतलब आज मैं आप लोगों को वैल्यूज वाले क्वेश्चंस दे सका हूं, है ना? यस सर। ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को वो कॉम्प्लीमेंट वाले नहीं दे सकता, सिखाऊंगा तब दूंगा वो, तो कोई बात नहीं यही बहुत होंगे। मैं सर दूंगा बढ़िया बढ़िया फसा दूंगा। हम लोग भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं तब तक जब तक ये लिख रहे हैं हमारी कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है। तो जैद 1060 जैद बाबू 2 वाह जी वाह, ये फंसा लड़का, इसीलिए तो भाई जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना ऐसे फंसोगे बेटा तुम। √3 अब तो बेटा फंस गए तुम, पकड़े गए तुम। अब बताओ भाई, अब पूछूंगा किसी से। अर्नब साइन 45 सर 1/√2। नारायण सेक 30 सर 2/√3। तेज हो रहा है लड़का। अच्छा मोक्षिका कॉस 90 हीरो, हाँ जीरो जीरो मैंने तो हीरो बोला। तो कॉसक 30 कितना होगा? कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा? मनोज सर 2
इतनी देर में सबने सोच लिया। मानस कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30, मैं तो कॉट 30 पूछ रहा हूँ। ओके सर, सॉरी सर, कॉट 30 जीरो, सॉरी सर, सर रूट थ्री, रूट थ्री। आप मजा ना बेटा, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज बन रहे थे। तो सेक 60 कितना होगा अर्नब? सर दो। सर यहाँ पर देखो भाई, मुझे पता था, मुझे पता था सबकी नजर होगी इस पे, तो मैंने सोचा ये पूछूंगा मैं। मैंने कहा इसीलिए मैंने जैसे ही नाम लिया टू 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 टू, सब लोग टू टू चिल्लाने लग गए। अच्छा देखो, यहाँ पर वन अपॉन रूट टू का करेंगे तो ये तो टू आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर भी टू हो जाएगा प्लस में। अच्छा दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आ जाएगा, नीचे तीन का रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो तीन हो जाएगा, तो तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ चार आ जाएगा। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि मैं ढीठ हूँ। और दो और दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार, और ये तीन करेंगे तो एक ही रहेगा यहाँ पर, तो नाइन आ जाएगा इसका जवाब। ठीक है, करें ये वाला भी, ये दो और कर लें। यस सर, टाइम दीजिए सर, एकदम आंसर मत बताइए। ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ लेकिन तुमसे, मैं बता कर रहा हूँ, मैं तो बताओ, मैंने एक भी बताया, मैं तो तुम लोगों से पूछ पूछ के कर रहा हूँ। यस सर, मुझे आता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे आता होता तो मैं पहले सॉल्व नहीं कर देता। चलो भाई सब लोग करो सॉल्व, फिर मुझे बताना। फर्स्ट पार्ट डन। ओके सर, ऑल पार्ट्स डन। ओके सर, डन। करते हैं इसको भाई, किसी का पहले, सबका पहला हुआ? यस सर, पहला। यस सर, कॉस स्क्वायर कितना होता है मोक्षी का बताना, कॉस स्क्वायर कह रहा हूँ, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 कॉस 60 2/√3। देखा देखा, देखो देखो भाई साहब, भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर। yes, ये देख रहे हो, देख रहे हो सर, साइन बोला था है ना? कॉस 1/2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3। sec 30 कितना होता है अर्णव बताओ? सर sec 30 2/√3। ये जो है ना सर, sec 30, ठीक है, ये जो टाइम है ना, ये सोचने का टाइम है, पता तुम्हें? यस सर। तो यहाँ पर 3, ये कितना आ जाएगा? और 2/√3 स्क्वायर हो गया, माइनस में 2, ये तो 1 ही हो जाएगा। यस सर। तो ये कृष्णा बताएगा साइन 30 कितना होगा? 2/√3। ये ले 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 ले, बेकार, सब बेकार कर दिया इनने, तो इसने तो वही बेकार कर दिया जो जहां से हमने पढ़ाना शुरू किया। सर मैं हाँ बताओ सर, 1/2 1/2 का स्क्वायर सेक का क्यों पूछूंगा जब मैं इस वाली लाइन में हूं? तो कॉस 45 बताओ, अब बताओ कृष्णा, कॉस 45
सर वन बाय रूट टू। तो यहाँ पर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू इंटू में वन बाय फोर प्लस माइनस टू है आंसर। बेटा मैं भी अभी चेक ही कर रहा हूँ, यहाँ फोर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का टू आ जाएगा, कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर वन बाय टू आ जाएगा, और इसे करेंगे तो वन बाय फोर प्लस में वन बाय टू आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चार में से दो गए तो दो बचा, तो वन प्लस टू प्लस में टू आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है दो से डिवाइड और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री अपॉन में फोर आ रहा है। यहाँ आ जाएगा बच्चों, और यहाँ आ जाएगा फाइव बाय टू, यहाँ आ जाएगा थ्री बाय फोर, इससे इसे कैंसिल किया तो दो आ गया, दो यहाँ चला जाएगा, तो टेन अपॉन में थ्री आ रहा है, टेन बाय थ्री आ रहा है बच्चों आंसर। Yes, sir, समझ आ गया। तो मोक्षी का 1060 कितना होता है? 1 by, नहीं, हाँ बोलो 1/√3। और प्लस में 4 अर्नव cos 45 सर 1/√2। ठीक है, प्लस में 3 इंटू में नारायण sec 30 सर 2/√3। बहुत संभाल के बोला भाई, बहुत संभाल के बोला। प्लस में 5 cos 90 कितना होता है मानव? मानस शून्य। cos 30 कितना होता है मनोज? सर 2। sec 60 कितना होता है? स्क्वायर थोड़ी ना यहाँ पे, दिवांश सर टू स्क्वायर नहीं होगा। हाँ स्क्वायर लिखा है वहाँ पे? नो सर पता नहीं, सबको क्या लिखा था लोगों को कहाँ से लिखा पता नहीं है। कितना होता है सर? टू 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 दो बार यानी 22। नो सर नहीं सर, सिर्फ टू कह रहा हूँ। तो कॉट 30 कितना होगा फिर मानस? सर कॉट 30 √3 रूट थ्री सर। डाउट, अब डाउट है उसे, डाउट नहीं कॉट ना चाहिए, अगर नहीं कॉट ना चाहिए तो कॉट ना चाहिए। तो ये अब जरा देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 और प्लस में यहाँ पे देखो 2 आएगा, कैंसिल कर देगा तो 2 आ जाएगा। अब रूट थ्री से यहाँ पे गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये तो उड़ जाएगा पूरा ये 4। ये तो पिछला एक क्वेश्चन ही था उसके जैसे ही हो गया यार ये तो। यस है ना बच्चों? सो यस सर, इसी के साथ हमारी आज की कक्षा खत्म होती है और आज हमें वैल्यूज के ऊपर कार्यक्रम करना आ चुका है। गुड इवनिंग सर, बाय सर, देख रहे हो कितना तेज हो रहा है सर, अभी तो क्लास सही से खत्म भी नहीं हुआ है। ये बहुत जल्दी हो रही है, तुम्हारा सावन बहुत तेज है बेटा। तो हो गया, अब यहाँ पर हम लोग क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म, और आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजता हूँ भी थोड़ी देर में, ठीक है सर? हाँ बोलो सर, बोल। अरे एक मिनट रुको रुको रुको, जोचना कुछ कह रही है सर। मैं ये कह रही हूँ सर, असाइनमेंट का लेक्चर भी सर आप ही सेंड कर देना, क्योंकि सर मधु मैम थोड़ा लेट कर देती हैं। ठीक है मैं भेज दूंगा अभी। ओके बाय 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 सर, बाय सर, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय एवरीवन, थैंक यू सर।